नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े, बालिकाओं से रेप व छेड़खानी, इमारत से गिरी महिला मजदूर की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। जिले में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े। जिले में बुधवार को कोविड संक्रमण का विस्फोट हो गया। बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने से प्रशासन भी सकते में आ गया है। नागरिकों की लापरवाही संक्रमण बढ़ने से सहायक सिद्ध हो रही है। सावनेर तहसील में 58 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से सावनेर शहर के 39 और ग्रामीण क्षेत्र के 19 संक्रमित शामिल है। हिंगना तहसील में 464 लोगों का टेस्ट किया गया, इनमें से 51 पॉजिटिव मिले। वाना डोंगरी में 14, मोंडा 9, गोलोरा 7, हिंगना 6, डिगडोह 4, ईसासनी 3, उखड़ी और वन ग्राम चौकी 2-2 तथा वडधामना, नीलडोह, रायपुर और अड़े गांव में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। कामटी तहसील में 45 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं काटोल तहसील में 31 मरीज मिले। काटोल शहर के 28 और ग्रामीण अचल में 3 संक्रमित पाए गए। तो वही रामटेक तहसील में 17 मामले सामने आए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 1189 हो चुकी है। तो वही दूसरी ओर बालिकाओं से रेप व छेड़खानी। नाबालिग छात्राएं बलात्कार और छेड़खानी की शिकार हुई है। बलात्कार की वारदात जरीपटका थाना परिसर की है। 13 वर्षीय बालिका 2 मार्च की रात घर में अकेली थी। उसी वक्त बस्ती में रहने वाले शुभम शेखर रंगारी ने घर में घुसकर बालिका से बलात्कार किया। बीते हफ्ते भर से शुभम बालिका को हवस का शिकार बना रहा था। बालिका ने परिजनों को जानकारी दी। उन्होंने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर इमारत से गिरी महिला मजदूर की मौत। नागपुर मानकापुर में निर्माणाधीन इमारत से गिरने से महिला मजदूर की मौत हो गई। सुशीला बालकवार 3 मार्च की दोपहर पद्मावती नगर की निर्माणाधीन इमारत में काम कर रही थी। पहली मंजिल से गिरने से वह जख्मी हो गई। उनका मेडिकल में इलाज चल रहा था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।